आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मूलांक नौ वाले व्यक्तियों के गुणों के बारे में। हम जानेंगे कि मूलांक नौ वाले व्यक्ति अपना भाग्य कैसे जगा सकते हैं और कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से। अगर आपका जन्म महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा। मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से है, जो कि शौर्य, शक्ति, साहस, ऊर्जा, क्रोध, स्वतंत्रता आदि से संबंध रखता है। अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर किसी का मूलांक 9 है और कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे में जातक जीवन में मंगल की शक्ति के साथ जीवन जीता है और नाम और यश को प्राप्त करता है। ऐसे जातक निडर होते हैं और अपने पराक्रम से जीवन जीते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में क्यों ना प्रवेश करें, ये सफल होकर दिखाते हैं। गोचर कुंडली में जब भी मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर होती है, तब मूलांक 9 वाले लोगों को कमजोरी महसूस होगी, जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। मंगल ग्रह अगर ज्यादा बली हो जाए तो ऐसे में जातक को अहंकारी, क्रोधी और झगड़ालू बना देता है। अतः ऐसे में ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं मूलांक 9 वाले व्यक्तियों से संबंधित कुछ और खास बातें। मूलांक 9 वाले लोग अपनी मेहनत, साहस और पराक्रम से अपना नाम करते हैं। मूलांक 9 वाले अपने मित्रों के लिए बहुत अच्छे हैं और शत्रुओं के लिए बहुत ही खतरनाक। आप नहीं चाहते हुए भी विवाद में पड़ जाते हैं, जिसके कारण कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती रहती है। आपके शत्रु भी बहुत होते हैं। उत्तेजना में आके आप जीवन में बहुत बड़े निर्णय ले लेते हैं, जो कि कई बार गलत भी होते हैं, अतः ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 9 वाले जातक अपने स्वाभिमान के साथ जीना पसंद करते हैं। आपको भूमि संबंधी कार्य में लाभ मिलने के योग अच्छे रहते हैं। बौद्धिक कार्यों के बजाय शारीरिक कार्य में आप ज्यादा सफल होते हैं। मूलांक 9 वाले जातक अगर खेलकूद, आर्मी, पुलिस जैसे साहसिक कार्यों के साथ जुड़े तो ज्यादा सफल दिखते हैं। साथ ही अगर आप कला जगत में भी प्रवेश करें तो भी आप एक अलग ही नाम हासिल करने में सक्षम रहते हैं। आइए जानते हैं कि मूलांक 9 के स्वामी मंगल अगर खराब स्थिति में हो तो जातक को कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हो सकती है। जातक ऐसे में चुगली करने वाला बन सकता है, दूसरों की निंदा करने वाला बन सकता है, अवैध संबंधों में अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। जातक झगड़ालू होता है और पारिवारिक सुख ऐसे में कम ही पाता है। जीवन में दुर्घटनाओं का शिकार होता रहता है। रक्त संबंधी विकार से ग्रस्त रह सकता है। काम विकार से परेशान हो सकता है। भूमि से संबंधित कार्यों में भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम में असफल हो सकते हैं और अवसादग्रस्त रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं मूलांक 9 वाले भाग्य का ज्यादा साथ पाने के लिए क्या करें। आप अगर किसी कार्य की शुरुआत महीने की 9, 18, 27 तारीख को करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर इन तारीखों के साथ मंगलवार का साथ मिले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा। अंक 9 वालों को भाग्य का और साथ पाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप चादर, रुमाल, कमीज आदि लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए कौन सा रत्न भाग्य जगाता है। आपका संबंध चूंकि मंगल ग्रह से है, अतः मंगल के बल को बढ़ाने के लिए मूलांक 9 वाले मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, फारसी में मरजान कहते हैं। मूलांक 9 वालों को भाग्य जगाने के लिए किन की पूजा करनी चाहिए।
अगर आपका मूलांक 9 है तो रोज़ आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अगर आप रोज़ हनुमान जी की पूजा करें तो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कौन सा यंत्र मूलांक 9 वालों के लिए भाग्योदय का कारक होता है। आपको सिद्ध मंगल यंत्र की स्थापना अच्छे मुहूर्त में करके रोज उनके सामने आपको मंगल मंत्रों का जप करना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले सिद्ध मंगल यंत्र का दर्शन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के नाम जिनका मूलांक 9 रहा है और जिन्होंने पूरे विश्व में नाम किया है। रामकृष्ण परमहंस, भारतीय सिद्ध जिन्होंने अनेक धर्मों की साधना करके सत्य को जाना। इनका जन्म 18 फरवरी को हुआ था। चैतन्य महाप्रभु, भारतीय संत, इनका जन्म 18 फरवरी को हुआ था। शशि कपूर, अभिनेता, इनका जन्म 18 मार्च को हुआ था। महेंद्र कपूर, प्रसिद्ध गायक, इनका जन्म 9 जनवरी को हुआ था। तो देखा जाए तो 9 वाले व्यक्तियों के कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे लोग जबरदस्त ऊर्जा से युक्त होते हैं, जुनूनी होते हैं, साहसिक होते हैं। मंगल ग्रह के कमजोर होने पर गुणों में कमी नजर जरूर आती है। ऐसे में भाग्योदय के लिए मंत्र, यंत्र और अन्य उपायों का सहारा अंक ज्योतिष से परामर्श करके अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको मूलांक 9 वाले लोगों से संबंधित काफ़ी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रहों का असर आपके जीवन में क्या हो रहा है आपके अपने कुंडली के अनुसार, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो की पूरी जानकारी पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज़ उपयोगी वीडियोस ज्योतिष से संबंधित प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।